एक समय था जब मोदी जी ट्रंप के साथ मिलकर कहते थे अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन इस बार अमेरिका में जब गए तो ट्रंप इंतजार कर रहे थे मोदी जी को, पर मोदी जी मिलने भी नहीं गए ट्रंप पे, क्या लग रहा है क्या कारण हो सकता है? कारण वही है, उन्हें पता था अब की बार ट्रंप सरकार और ट्रंप हार गए। ट्रंप ने भी साफ कह दिया होगा, साफ पनौती मेरे से दूर रहो, जहाँ जहाँ जिसके ऊपर हाथ रखते हैं वही इधर ठप, जहाँ जहाँ जिस चीज़ के ऊपर हाथ रखा वही वहीं वहीं ठप। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के छत का उद्घाटन करा था, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की छत रह गई। राम मंदिर के उद्घाटन में गए, राम मंदिर की छत लीक हो गई। राजकोट एयरपोर्ट का उद्घाटन करा, उसकी छत रह गई। और उसके बाद जामनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन करा, उसकी छत रह गई। वंदे भारत डीरेल होने के तैयार हो गई। जम्मू कश्मीर में जाके अपना वो रैली करके आया तो अगले दिन जम्मू कश्मीर में श्रद्धालु से भरी बस जो है वो खाई में गिर गई। वर्ल्ड कप पिछली बार आपको याद है देखने गए थे, वर्ल्ड कप हम हार गए। तो पनौती है, अब पूरा देश समझ चुका है, पूरा विदेश भी समझ चुका भाई ये पनौती है, जहाँ इसने जिसके ऊपर हाथ रखा वही गया। नेपाल में गए थे, उससे पहले प्रचंड की सरकार चलती थी वो ढह गई। श्रीलंका में मिलने गए थे राजपक्षे से, राजपक्षे ढह गया। शेख हसीना को गले लगाया, शेख हसीना की तख्ता पलट हो गई। सब देख रहे हैं ना, सब देख रहे हैं भाई, ये जहाँ जहाँ जाएगा ये पनौती नंबर वन है। तो इसलिए वो ट्रंप साहब अपना ठीक है किनारे करके बैठ गए। बाइडन साहब ने दो दो बार बेइज्जती करके अच्छी तरह इनकी आपको दिखाई दिया इनकी क्या हैसियत है। पिछली बार भी बाइडन साहब ने बेइज्जती करी थी, इस बार भी बेइज्जती कर दी। अब क्यों कर दी? क्योंकि ये करते हैं, अब की बार ट्रंप सरकार तो बाइडन ने भी बदला उतार लिया। मेरे ये सामने खड़े हो गए, मेरे ये अपोजिट को तैयार करोगे कि ट्रंप आना चाहिए तो बाइडन क्या इज्जत करेगा बस। मोदी जी बोलते हुए नजर आए कि अमेरिका हमारा अच्छा दोस्त है, पर बाइडेन जी उनका नाम भी भूल गए स्पीच के देते समय। बिल्कुल, अमेरिका अच्छा दोस्त है, अमेरिका अच्छा दोस्त पहले भी था, अमेरिका अच्छा दोस्त अब भी है। अमेरिका अच्छा दोस्त क्यों हो गया? $3 अरब के ड्रोन खरीदने वहाँ पे गए हैं, तो अमेरिका को तो अच्छा कहेंगे और अमेरिका इन्हें भी अच्छा कहेगा। और बाइडन साहब उनका नाम भी भूले जा रहे हैं, कितने अच्छे दोस्त हैं, मेरा सबसे बढ़िया दोस्त और मैं इनका नाम भूले बैठा हूँ। भाई साहब नाम क्या आपका? शमीम खान। अरे यार, लेकिन तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो यार, मैं भूल गया यार, सॉरी यार। ये उनकी हरकतें हैं यार, ये तो मेरे बहुत पक्के वाले दोस्त हैं, लंगोटिया यार है और मैं इनका नाम भी भूल गया। कितनी बढ़िया बात है साहब, एक पक्के दोस्त हो। अरे मेरा और उसका तो जैसे इन्होंने पहले भी एक बार बोला था ना उसके बारे में, मेरा और उसका ट्रंप का तो तू तड़ाक चलता है। अब वो तू तड़ाक बाइडन साहब ने दिखा दी कि कैसी तू तड़ाक, हम तो तू तू करके बातें करते हैं, तो आज इनको हैसियत दिखा दी कि तू तू करके बातें कैसे होती हैं। भाई बस मीडिया इनका डंका पीटे जा रहा है और इसमें गुब्बारे में हवा नहीं है, कुछ नहीं है, पंचर हुई गाड़ी पड़ी है, इनकी गाड़ी में दम नहीं है, इनके टायरों में हवा निकल चुकी है और मीडिया ने अभी तक हवा भर रखी है। जिस दिन मीडिया निष्पक्ष हो गया उसी दिन इनके सारे कपड़े उतर जाएंगे, सारी कहानी उसी दिन ठप हो जाएगी। एक तरफ तो मोदी जी बोलते हुए नजर आए कि मैं भिक्षा मांग के खाता था नेता बनने से पहले, पर दूसरी तरफ वो जाके विदेश में बोल रहे हैं कि मैं जब नेता भी नहीं बना था उससे पहले 29 राज्यों का दौरा कर चुका था अमेरिका में, तो क्या कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं मोदी जी अपनी बात? अभी हमारी बातों में कोई कमी रहेगी कि इस विश्व के सबसे झूठे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, विश्व के सबसे झूठे व्यक्ति मोदी जी हैं, भिक्षा मांग मांग के खाने वाला हो क्या? उसमें वीजा भी भिक्षा में मिल गए थे, पासपोर्ट लेके घूम रहे थे भाई मुझे वीजा लगा दो, पासपोर्ट लेके घूम रहे थे साहब मुझे वीजा लगा दो, क्या वीजा भी भीख में मिलने लगा है? 29 स्टेट में वो खुद अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं। और ये बात सही है, उनके पहले भी फोटो वायरल होते थे, तो इसका मतलब भिक्षा नहीं मांगी, झूठ बोलते थे सिर्फ सहानुभूति बटोरने के लिए कि मेरी माँ बर्तन मांजती थी, मैं भिक्षा मांगता था, मैं चाय बेचता था, सब चीज़ों की पोल खुद ही खोलते जा रहे हैं ना। उम्र हावी हो गई है, भूलना शुरू हो गया उनको, और झूठ कभी याद नहीं रहता। झूठ कब बोला? 2 दिन पहले क्या बोला था, 4 दिन बाद क्या बोलना है, व्यक्ति भूल ही जाता है। तो वही झूठ आज उनका सबके सामने पकड़ा जा रहा है और खुद ही अपने आप ही पोल खोल दी अपनी, अपने पोल झूठ की। अब ये भी बोलते हुए नजर आए कि मुझे जहाँ से जो मिलता था मैं खा लेता था, मेरा कोई ठिकाना नहीं था। फिर दूसरी तरफ उनकी तस्वीरें सामने आती है जिसमें वो बाइक पे बैठे हैं या पहाड़ों के सामने घूम रहे हैं। वही तो चीज़ है ना, मैंने कहा ना कि झूठे आदमी का तो कोई दीनीमान होता ही नहीं। अब वो क्या, मुझे जहाँ से मिलता था मैं खा लेता था, ठीक है जी आप जाते हो गए वहाँ पे किसी रेस्टोरेंट मिला आपको, आपने खा लिया, लेकिन उसे प्रचारित ऐसे कर दिया कि मुझे जहाँ से जो मिलता था मैंने खा लिया। अब मैं भी चांदनी चौक में घूमने आ गया यार, मुझे जहाँ से जो मिलेगा मैं खा लूँगा, सबसे आगे मुझे वो 600 रुपये किलो जलेबी बेचने वाला मिलेगा मैं उसकी जलेबी खा लूँगा, और मैं बोलूँगा अरे मुझे तो जहाँ से जो मिला मैंने खा लिया। ठीक ही बात है, कोने पे वो फ्रूट चाट बैठ रहा है, मैं जाके वो भी खा लूँगा कि मुझे तो जहाँ से जो मिला मैंने खा लिया। पोल तो खुल गई ना, खुद ही अपनी पोल खोल बैठे हैं, खुद ही मानसिक संतुलन जिसे कह रहे हैं कि वास्तव में गड़बड़ा गया है। राहुल गांधी जी ने सही बात बोली कि उनका जो है स्वास्थ्य खराब होने लगा है और वो खुद गड़बड़ का शिकार हो चुके हैं, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है, उनका ऑरा कमजोर पड़ गया है, वो इस बात से साबित होता है। खुद ही क्या कह रहे हैं उन्हें याद ही नहीं, अब से पहले क्या कहानियाँ दुनिया को सुनाए जा रहे थे वो कहानियाँ जई साफ हो गई, नई कहानी लेके आ गए कि मैं 29 स्टेट्स का दौरा कर चुका था। इसका मतलब आपके पास पैसा था ना, अच्छा खासा व्यक्ति यहाँ से नेपाल नहीं जा पाता, भूटान नहीं जा पाता जहाँ तो वीज़ा नहीं लग रहा, तिब्बत नहीं जा पाता जहाँ वीज़ा नहीं लगता, तब उसके बावजूद भी आप अमेरिका का वीज़ा लेके और उसके 29 स्टेट्स में दौरा कराए। वीज़ा भी लगता है तो एक स्टेट का है, दो स्टेट का लगता है कि आपने कहाँ का जाना है, किस वजह से जाना है। पूरे 29 स्टेट्स का 50 में से 29 स्टेट्स का वीज़ा लेना कोई मजाक बात है क्या? इसका मतलब थे ना आप कुछ,
आपके पास दम था ना, फिर आपके झूठ बोलते कि मेरी माँ बर्तन मांजती थी, मैं सड़क पे चाय बेचता था, मैं ट्रेन में चाय बेचता था और मैं भीख मांग के खाता था। तो भीख मांग के क्या खाते थे फिर आप? इसमें वीजा 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 खेलते थे, वीजा वीजा खाते थे। हद भर दिए कि झूठे आदमी यार, सच में हद है। अच्छा, मोदी जी का कहना है कि पूरी दुनिया को पता है कि कोई देश जो सबसे ज्यादा जल्दी से विकास करने वाला है वो भारत ही होने वाला है, लग रहा है कि उस तरीके से विकास हो पाएगा? हमें बहुत खुशी होगी जी अगर ऐसा हो जाए तो। हमें इस बारे में कोई आपत्ति नहीं है, अगर भारत विकास करता है, सबसे तेजी से विकास करता है। हम भारतीय हैं हर लिहाज से, जाति धर्म दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हम भारत का विकास चाहते हैं, लेकिन करें तो सही। आप अपने ही देशवासियों को झूठी तसल्ली क्यों दे रहे हो? सीधी सी बात है, मुझे आपत्ति इस चीज़ से नहीं है कि देश विकास करे, मुझे आपत्ति इस चीज़ से कि आप देशवासियों को झूठी तसल्ली देते हो। एक तरफ मेक इन इंडिया का नारा भरते हो, मेरे ड्रोन से अभी मुझे किसी भी काम की क्वालिटी चेक करनी होती है, मेरे ड्रोन जो है जाके मैं अपने ड्रोन भेजता हूँ और क्वालिटी चेक कर लेता हूँ, और उसी ड्रोन के लिए आप अमरीका जा रहे हो, $3 अरब के ड्रोन खरीद के वहाँ से ला रहे हो। कहाँ गए आपके ड्रोन? क्या हुआ आपके ड्रोन्स का? फेल। जिन जिन ड्रोनों से आपने निगरानी करी, अयोध्या की निगरानी करी, अयोध्या में रामपथ ढह गया, लक्ष्मण पथ ढह गया, उस पर 10-10 फुट के गड्ढे हो गए, संसद हमारी टपक गई, राम मंदिर की छत टपक गई, एयरपोर्ट की छतें गिर गई, सब कुछ आपका तो सारे सब इसका सामने दिख रहा है, फिर आप कह रहे हो कि विकसित होने वाला है। भाई हमें इस चीज़ों से दुख होती है जब आप झूठ बोलते हो, हमें झूठ बोलने से आप मत बहलाओ, जो सच्ची बात है, सच्ची हकीकत है वो दिखाओ। तरक्की करेगा तो कैसे करेगा, उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करो, किस तरह से आप लोगों को रोजगार दोगे, किस तरह से देश को मुख्य धारा में लेके आओगे, किस तरह से आप निर्यात बढ़ाओगे। आयात बढ़ाने से देश तरक्की नहीं करता, निर्यात बढ़ाने से देश तरक्की करता है। कितना निर्यात आपने बढ़ाया वो आंकड़े सामने रखो, चीन को आप लाल आंखें दिखा दो, चीन से $112 अरब का आयात करा है, निर्यात कितना करा? मात्र $12 अरब का। कितना बड़ा फर्क आया? $100 अरब का फर्क आ रहा है। हर देश के साथ यही कहानी है, हर देश के साथ यही कहानी है, फिर आप हमें झूठे सपने दिखाते हो, हमें उस चीज़ से तकलीफ होती है। अच्छा, हरियाणा में जाके मोदी जी ने बोला कि अगर वापस चाहिए तो आपको कोई पार्टी जो आके लूटे तो कांग्रेस को लाइए, क्योंकि पहले भी किसानों की जमीन लूटा करती थी कांग्रेस, कितनी सच्चाई है इस बात? आए तो सही कोई किसान, आए तो सही कि मेरी जमीन कांग्रेस ने लूट ली थी, कोई सामने तो आए। किसानों की जमीन की बात करते हैं तो किसानों की जमीन का सबसे बड़ा मुद्दा आपने देखा अयोध्या में, 13,000 एकड़ जमीन जो है अडानी को, श्री श्री रविशंकर को और लाला रामदेव को, इन तीनों को अलॉट कर दी, और वो जमीन सेना की है, तो जमीन कौन लूट रहा है? भाजपा लूट रही है कि हम लूट रहे हैं? कांग्रेस लूट रही है। कोई एक किसान तो आगे खड़ा होकर कहता कि जी मेरी जमीन जो है इन्होंने जब्त कर ली, और कांग्रेस ने मेरी जमीन 10 साल पहले जब्त कर ली थी। पिछले 10 सालों से आपका बीजेपी का शासन चल रहा है, आपके तमाम आपने मनोहर लाल खट्टर साहब ने कई बार आपने जन सभाओं का आयोजन करा, जन दरबार लगाया जिसमें लोगों की शिकायतों की सुनवाई होती थी, कोई शिकायत करता सामने आया? कोई नहीं आया। क्या डरे बैठे थे वो लोग? जब आपकी सरकार है पिछले 10 साल से, कोई तो सामने आता निकल के कि साहब मेरी जमीन को कब्जा कर लिया था कांग्रेस ने, अब मेरी जमीन मुझे वापस दिलाओ। कोई भी नहीं है, हवा में तीर छोड़े जा रहे हैं, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, झूठ बोल रहे हो। अच्छा, उन्होंने भी बोला कि अगर कांग्रेस वापस आ गई तो वापस से हरियाणा में भ्रष्टाचार वापस आ जाएगा और बेटा भतीजावाद वापस आ जाएगा। अब आज के समय में परिवारवाद से मुक्त है हरियाणा। परिवारवाद से मुक्त है। आपको याद है वहाँ पे किरण चौधरी है नेता, पहले कांग्रेस की नेता हुआ करती थी, सबसे पहले तो उन्होंने उनको पार्टी में अपनी में शामिल करा, उन्हें राज्यसभा की टिकट ऑफर करी, हरियाणा से उन्हें राज्यसभा में भेजा, और उसके बाद दूसरे जो उनकी बेटी है श्रुति चौधरी, उसको वहाँ से टिकट दिया। तो फिर माँ बेटी वाद आप ला रहे हो, कौन ला रहा है? दिल्ली में आप नई दिल्ली सीट से देखो, सुषमा स्वराज की बेटी बासुरी स्वराज को टिकट दिया। पश्चिमी दिल्ली से पिछली बार हमारे सांसद थे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो है, साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे, उनको टिकट दिया। आपके कैलाश विजयवर्गीय का बेटा, वो आपका विधायक बना पड़ा है। तमाम आपके जो है, गिनाने बैठे तो शाम हो जाएगी यहाँ पे, तमाम लोग आपके परिवारवाद के शिकार हुए पड़े हैं, और आप कहते हो कि भाई भतीजावाद और बेटा भतीजावाद आ जाएगा। अपने गिरिबान में भी तो झाँक लो, आपने इंद्रजीत राव के बेटे को टिकट दे दिया, आपने उनको टिकट दे दिया, आपने वहाँ पे जो पुराना आपका एक नेता था उसके बेटे को टिकट दे दिया। कम से कम आपने 15-20 टिकट ऐसे बांटे हैं जो आपके जो उन्हीं नेताओं के बेटे हैं, बेटियाँ हैं, या भाई हैं, भतीजे हैं, तब आपको याद नहीं आता। लेकिन एक टिकट किसी को चला गया तो उस पर आपको हायतुबा मचनी शुरू हो गई, जैसे विनेश फोगाट पे हायतुबा मचाते हैं कि वो तो खिलाड़ी थी, उसको यूज़ कर लिया। जब आपने योगेश्वर दत्त को टिकट दी, तब आपने बताया किसी को? तब आपने क्यों नहीं सफाइयाँ दी? जब आपने बबीता फोगाट को टिकट दिया तब क्या हुआ था? जब आपने रविंद्र जडेजा की पत्नी को टिकट दिया था तब क्या हुआ था? तब कोई मुंह नहीं खोला इनका, तब आवाज़ नहीं निकलती इनकी। लेकिन कांग्रेस ने किसी एक को टिकट दे दिया तो हायतुबा मचानी शुरू कर देते हैं, सीने पे सांप लौट जाता है इनके। अच्छा, मोदी जी का भी कहना है कि अगर हरियाणा में रोजगार को बढ़ावा देना है तो फिर भाजपा सरकार को ही लाना होगा। पिछले 10 सालों से क्या कर रहे थे? भुट्टे भून रहे थे, पराली जला रहे थे, धान काट रहे थे, क्या कर रहे थे? पिछले 10 सालों से कांग्रेस की सरकार है, इसके बीजेपी की सरकार थी वहाँ पे, आपने बेरोजगारी खत्म क्यों नहीं करी हरियाणा से? आज की डेट में भी भारत में जितने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, सारे 35 के 35 में से मिला के हरियाणा की बेरोजगारी दर सबसे उच्च दर है। जो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 7.2 की दर से हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है।
क्यों? और पिछले 10 सालों से जबकि आपकी सरकार है, फिर आपको 10 सालों से एक बार भी याद नहीं आई मेरे के रोजगार दे दें। खट्टर साहब को स्टेज पे क्यों नहीं लेके आते, आपको मालूम है? खट्टर साहब को 9.5 साल में मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया गया? कहीं उनके पोस्टर नहीं है, कहीं उनके बैनर नहीं है, कहीं उनका नाम नहीं है, उनकी सभाएं रोक दी गई हैं, उनको लेके नहीं जाते, स्टार प्रचारक बना के नहीं लेके जाते। हिसार का मैं फिर से जिक्र करना चाहूँगा, हिसार में उन्होंने एक अपना जनता दरबार लगाया था, वहाँ पे एक लेडी आके खड़ी हुई, साहब हमारे इलाके में बेरोजगारी बहुत है, हमारे बच्चों को काम नहीं मिलता, क्या यहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह लगवा दो तो हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाएगा। बैठ जा तने चांद पे भेजेंगे, अच्छी तरह याद है मुझे आज तक। और वही अब इनको आज के गले पड़ रहे हैं, अब जनता जो है वो इन्हें चांद पे भेज देगी, अब वो इनके चांद दिखा देगी, इन्हें तारे दिखा देगी दिन में। तो वहाँ पे इन्होंने रोजगार के लिए काम करे होते तो लगाते फैक्ट्री, भाई बोलते उसको कि ठीक है बहन तेरी बात अच्छी बात है, तेरे यहाँ के बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, मैं कोई PSU से यहाँ पे स्थापित करता हूँ, कोई फैक्ट्री लगाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है 10-20-50 लोगों को रोजगार मिलेगा, 2-4 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा। नहीं काम करा होता तो फिर आज ये क्यों कहना पड़ता, आज बेरोजगारी के दर में नंबर 1 क्यों होता हरियाणा? काम करा होता तब ना। आंकड़े हैं, बाजीगरी करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, मुंह कोई पकड़ने वाला है नहीं, मुंह पकड़ने का काम मीडिया का, मीडिया चरण चुम्बक बना बैठा है। पर ये बात भी मोदी जी ने बोली अपने बयान में कि हमने हरियाणा में सबसे ज्यादा फैक्ट्री और कंपनियां बनाने का काम किया है, गिनवाओ तो सही। भाई हम भी जरा किसी गफलत में जी रहे हो सकता है हमारे में भी गलती हो, तो हमें सही तो करो, कहाँ हैं वो, कौन सी फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई, कौन सी आपने जो PSU नहीं स्थापित करी, कौन सा आपने सेक्टर में नौकरियाँ दी, कहीं दिखाओ तो सही, कहीं लोगों को एक बार दिखाओ तो सही कि भाई देखो फलानी फलानी जगह पे मैंने ये फैक्ट्री लगाई है, रिवाड़ी में मैंने फैक्ट्री लगाई है, सोनीपत में मैंने फैक्ट्री लगाई है, पानीपत में मैंने रिफाइनरी नहीं लगाई, कोई एक चीज़ तो दिखाने के नाम पे हो। काम तो मैं भी बहुत करके आ रहा हूँ जी, काम क्या करके आ रहा हूँ, दिखाने के नाम पे मेरे पास कुछ नहीं है। भाई मेरी जेब में 2 लाख रुपये पड़े निकालने के, मेरी जेब में से 100 रुपये निकलते हैं, उस बात का क्या फ़ायदा, बस बंद मुट्ठी है। काम हमने बहुत करा जी, हमने बेरोजगारी दूर करी है, खोल के दिखाओ तो हाथ खाली है। अगर आपने वास्तव में काम करा दिखाओ कि हमने इस जगह पे ये काम करा, इस जगह पे हमने फैक्ट्री लगाई, इस जगह पे हमने कारखाने स्थापित करे, आप दिखाओ लोगों को, हकीकत है लोग आपको वोट देंगे, दिखाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, नीलबटा सन्नाटा है। उनका तो भी कहना हमने ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से गरीब दलित और किसानों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, काम उन्होंने ऐसे ही करेंगे जिससे गरीबों को फायदा हुआ है, गरीबी की इतनी बेरोजगारी बढ़ा दी गरीबों को, 45 लाख BPL कार्ड जो है हरियाणा में जारी कर दिए गए हैं, 45 लाख BPL कार्ड परिवारों को, एक परिवार में 4 लोग भी मानोगे ऑन एन एवरेज, सिर्फ गिनती के 4 लोग मानते हैं हम हरियाणा के परिवार में, तो हरियाणा की जनता जो है 3 करोड़, उस 3 करोड़ में से 1.8 करोड़ लोग तो आपने गरीब कर दिए, कितना बड़ा काम करा आपने गरीबों के लिए। और उसे कॉलर खड़े करके दिखाते हैं 45 लाख BPL परिवारों को हमने कार्ड दिए, बिलो पावर्टी लाइन गरीबी रेखा से नीचे आपने 45 लाख लोगों को कर दिया, पिछले 10 सालों से आपकी सरकार है उसके बावजूद भी आप 45 लाख लोगों को BPL कार्ड बना के दे रहे हो, तो कितना बड़ा आपने तरक्की करी, कितना आपने काम करा। दलितों का उत्पीड़न लगातार जारी है, दलित घोड़ी चढ़ ले तो उसको गोली मार दी जाती, दलित मूछ रख ले तो उसकी गोली मार दी जाती, दलितों पर अत्याचार आप उसमें नंबर 1 है, दलितों के इतने हितैषी हो, 54 मुख्यमंत्री अब तक जो है जब से BJP सरकार में आनी शुरू हुई है, 90 के बाद से इसके मुख्यमंत्री बनने शुरू हुए हैं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में मिला के अब तक इनके 54 मुख्यमंत्री हो चुके हैं, उन 54 मुख्यमंत्री में से एक भी दलित मुख्यमंत्री का नाम दिखा दो कि ये हमारे इस स्टेट में ये व्यक्ति दलित मुख्यमंत्री हमने बनाया था। और अब की डेट में भी हरियाणा के दलितों की बड़ी चिंता हो रही है, हरियाणा में आपने टिकट तो दी है 19 दलितों को, लेकिन 19 दलितों में से किसी एक दलित को आगे करा है? 19 को दिए, हाँ 2 मुसलमान है, हाँ 2 मुसलमान दिए, वो भी हमारी बातचीत का ही फर्क है, जब हम इन्हें बार बार पूछते थे कि मुसलमानों को टिकट नहीं देते, नहीं भूलते, नहीं शर्मा जी नहीं भूलते तब जाके, लेकिन एक भी दलित को आगे करा कि हम इसे आगे मुख्यमंत्री बनाएंगे, नहीं करा, तो दलित इतिहासी कैसे हो गए जी। रही बात अब अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों को आपने कैसे गोलियां बरसाई सब जानते हैं, कभी नासिर जुनैद को जला के मार दिया जाता है, कभी वो आर्यन मिश्रा को गोली मार दी जाती है मुसलमान समझ के, और तर्क दिया जाता है हमें लगा ये मुसलमान था इसलिए गोली मार दी, कितना बढ़िया एक लाइन का तर्क देके और बस पल्ला झाड़ लिया, हमें लगा ये मुसलमान था इसलिए गोली मार दी, तो भाई अगर मुसलमान भी था तो क्या तुम गोली मारोगे, क्यों मारोगे गोली, किस तरह से गोरक्षक बनने का आप अधिकार रखते हो तो गोरक्षक बन रहे हो, ठीक है जी आप गोरक्षक को हमने मान लिया, आपने देखा कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है आप उन्हें रोको, मौके पर उनका घेराबंदी करके रुके रहो, पुलिस को इन्फॉर्म करो, पुलिस आएगी देखभाल करेगी सब कुछ है जी, गलत क्या है सही क्या है न्यायालय तय करेगा, आप कैसे न्यायालय बन गए, आप कैसे पुलिस वाले बन गए, आप कैसे न्यायाधीश बन गए, आपको कोई हक नहीं है न्यायाधीश बनने का, आपको कोई हक नहीं है वहीं पर वही ऑन द स्पॉट फैसला करने का, अगर ये काम है तो ये न्यायालय का काम है, न्यायालय इसको देखेगा, गौरक्षा के नाम पर आप अभियान चला रहे हो चलाओ, बहुत अच्छी बात है, गौ की रक्षा करो बिल्कुल अच्छी बात है, कहीं कोई गाय जो है दिखती है आपको परेशानी में है उसकी रक्षा करो, लेकिन कम से कम मौके पे पुलिस बुलाओ, मौके पे अधिकारी बुलाओ, वन विभाग के अधिकारी बुलाओ, पशुपालन विभाग के अधिकारी बुलाओ, और कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो उसके बाद मामला न्यायालय में दर्ज कराओ, न्यायालय सुनवाई करेगा, देश में न्याय का शासन है ना जी। आप ही लेके आए हो भारतीय दंड संहिता को बदल के, आप लेके आए हो भारतीय न्याय संहिता, तो न्याय करो ना फिर।